हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में हम लोग रिकर्शन डिस्कस कर रहे हैं और आइए आज के लेक्चर में हम ए रेस्ट टू द पावर बी कैलकुलेट करते हैं रिकर्शन का यूज करके। मान लेते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है वो फंक्शन है पी ओ डब्ल्यू ई आर फंक्शन, जिसमें हम ए और बी दो वैल्यूज पास करते हैं। यूजर से हम ए और बी इनपुट करा लेते हैं। याद रहे कि जो ए और बी वैल्यूज हैं वो इंटीजर्स हैं। यहाँ पे जो पावर कैलकुलेट होके आएगा वो एक्स होगा। इसको हमने इंटीजर एक्स में एक्सेप्ट कर लिया है और एक्स को फाइनली हम प्रिंट कर देंगे। तो नेम ऑफ फंक्शन हमारा पावर हो गया और इसमें दो वैल्यूज पास हैं, एक इंटीजर ए और एक इंटीजर बी। अगर हमें पावर फाइंड करना है तो हमें पहले इसकी पावर की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। मान लीजिए कि अगर आप ए रेस्ट टू द पावर बी फाइंड कर रहे हैं और या ए रेस्ट टू द पावर मान लीजिए आप फोर फाइंड कर रहे हैं, सो इसका मीनिंग होगा ए इंटू ए रेस्ट टू द पावर थ्री। ए रेस्ट टू द पावर थ्री की का मतलब होगा ए इंटू ए रेस्ट टू द पावर टू। ए रेस्ट टू द पावर टू का मीनिंग है ए इंटू ए रेस्ट टू द पावर वन, और ए रेस्ट टू द पावर वन का मतलब है ए इंटू ए रेस्ट टू द पावर जीरो। इसका मतलब रिड्यूसिंग टर्म्स के फॉर्म में आपने एक रिकर्सिव फंक्शन लिखा और आपको पता है कि ए रेस्ट टू द पावर जीरो की वैल्यू किसी या किसी भी नंबर के पावर जीरो की वैल्यू होती है वन। यही मेरी बेस कंडीशन हो जाएगी। तो चूंकि हमें पता है कि हम ए रेस्ट टू द पावर एन को ए रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब कि रिड्यूसिंग टर्म्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हम रिकर्सिव फंक्शन भी लिख सकते हैं। और मुझे एक बेस कंडीशन भी पता है कि अगर बी की वैल्यू जीरो होगी तो इसका आंसर वन होना चाहिए। तो यहां हमने लिखा कि अगर बी की वैल्यू जीरो है तो रिटर्न वन, अदरवाइज ए इंटू पावर ए रेस्ट टू द पावर बी माइनस वन। आई होप ये आपके समझ में आ रहा है कि ये ए रेस्ट टू द पावर बी का मीनिंग है ए इंटू ए रेस्ट टू द पावर बी माइनस वन। तो हमने सेम रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर लिया, लेकिन हम रिड्यूस करते करते अगर बेस कंडीशन पे पहुंच जाते हैं तो हमें वन रिटर्न करना चाहिए। रन करके देखते हैं इसको। मान लीजिए कि हमने इनपुट कराया है फोर और थ्री। सो फोर इज टू द पावर थ्री की वैल्यू 64 होती है, 4 × 4 × 4। इसी तरह से एक और नंबर अगर हम टेस्ट करें, मान लीजिए हमने जो नंबर टेस्ट किया है वो है 2 रेस्ट टू पावर 10। इसकी वैल्यू 1024 आनी चाहिए और 1024 आ रही है। इसका मतलब है कि हमने पावर सही कैलकुलेट किया है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में और फंक्शंस या और रिकर्शन के साथ हम नेक्स्ट टर्म में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।